आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त चटपटी चाट की रेसिपी, धनिया के आलू, जो बनाने में हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं मगर खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शैली और आप देख रहे हैं भोजन शैली। धनिया के आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये छोटे वाले 200 ग्राम आलू लिए हैं, जिनको कि मैंने उबाल करके और छील लिया है। अब मैं इसको दो पीसेस में काट ले रही हूँ। अगर आपको ये छोटे वाले आलू ना मिले तो आप सिंपल बड़े वाले आलूओं से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। ये देखिए, सारे आलू छिल करके कट के एकदम तैयार हैं। तो मैंने इसमें से ये 3-4 आलू जो हैं अलग रख लिए। तो हम बना रहे हैं धनिया के आलू, तो इसका जो स्टार इंग्रेडिएंट है ना, वो है धनिया। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश एकदम हरा हरा धनिया लिया है और इसको साफ करके अच्छे से धो लिया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमको जो चटनी पीसनी है ना धनिया की, वो इनके स्टेम के साथ ही पीसनी है, खाली पत्ते नहीं लेने हैं। तो इसको मैंने ऐसा मोटा मोटा रफली चॉप कर लिया और मिक्सी के जार में डाल दिया। अब मैंने इसमें ऐड की ये 8 से 10 एकदम तीखी वाली हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी काट के डाल रही हूँ। और मुझे इसके लिए चाहिए 2 नींबू, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच नमक। इन सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से चटनी पीस लीजिए। ये इतनी आसान सी रेसिपी है और इतने कम इंग्रेडिएंट के साथ बनती है, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। देखिए, चटनी हमारी पिस चुकी है और कितना बढ़िया उसमें इतना अच्छा हरा कलर आया है। तो अब हमें क्या करना है, वो जो आलू हमने अलग रखे थे ना, वही हमको इस चटनी के जार में डालने हैं और दोबारा से चटनी पीस लेनी है। ये देखिए, ये चटनी पिस के तैयार है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हम आलू चटनी में डाल रहे हैं ना, ये इस रेसिपी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो चटनी है ना, ये आलूओं के ऊपर अच्छे से कोट नहीं होगी। तो इसमें ये उबले हुए आलू डाल के आप चटनी को ज़रूर पीसें। तो देखिए, हमारी चटनी तैयार है। अब हम इसको आलूओं में मिक्स कर रहे हैं। और आप देखिए, जैसे ही हम इसे मिक्स कर रहे हैं तो ये आलू कितना अच्छी तरीके से कोट हो रहा है इस चटनी के साथ में, ये देखिए। और इतना बढ़िया इसमें कलर आया है ना। तो ये देखिए, हमारे धनिया के आलू तो हो चुके हैं तैयार। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरीके से इसमें चटनी बिल्कुल कोट हो चुकी है। अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। भाई, चाट है तो चाट के पत्ते में ही टेस्टी लगेगी। तो मैंने थोड़े से धनिया के आलू लिए, उसके ऊपर डाला ये फेटा हुआ दही 1-1 चम्मच, और थोड़ी सी ये इमली की मीठी वाली चटनी। और ये लगा दी टूथपिक। तो भाई, हमारी ये बिल्कुल चाट खाने के लिए एकदम तैयार है। आप चाहें तो आप थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। तो ये चटपटी धनिया के आलू बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। ये बहुत ही परफेक्ट चखना स्नैक्स है। तो इस होली पे आप ये बनाएं रेसिपी और अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। और अगर मेरी रेसिपी आपको बना के पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक गुड बाय।